मैंने ना 7.5 जी का कार्ड अपनी सास को दिया है। अरे वाह वाह वाह, तब तो सासू माँ को 7.5 लग गई होगी। सर उसने भी तो लगाया था ना शादी करा के। खैर जी से याद आया, तुमने एक रिटेलर को एक हफ्ते से ना कोई सिम दिया है ना कोई रिचार्ज किया है। वेरी गुड वेरी गुड। कुत्ता कमीना हरामखोर। आप नहीं, वो अच्छा फिर ठीक है, वो ठीक है, वो तो ठीक है। बॉस नकली आईडी बनाकर 4G सिम बेचता है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो लोग आकर आपको जूता मारेंगे। मतलब लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, वो हम लोग से हो नहीं पाएगा, देख नहीं पाएंगे, आप समझ रहे ना बॉस। वेरी गुड वेरी गुड, है ना जी 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 जी। एक बात बता, इतना जी तो 4G में भी नहीं होता है, कुत्ते जितना जी तू बोल रहा है। आपका बचपन याद आता है। बेटा क्या हवा देते हो तुम, है तुम्हारे हवा की वजह से मेरे कंपनी का नाम रोशन कर रहा है। अरे लोग मुझे गालियां बक रहे हैं, मेरे कंपनी के नाम पे जूते मार रहे हैं, मेरे नाम के पुतला फूके जा रहे हैं। अबे काम करो तुम, यहाँ से हवा आ रहा है, कट लो यहाँ से, कट लो, निकल लो। सर 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 बस बस, आप ना गुस्से में एकदम क्यूट लग रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है क्या? गुस्सा आ रहा है, बॉस को कुकरी करता खड़ा वहां पे। वेरी गुड वेरी गुड जी जी। अब एक काम करो, यहाँ से कट लो हवा। हम यहाँ से कट लें? तुम्हारी वजह से बहुत गुस्सा हो गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ, नाटक ना करो, तुम्हारी वजह से हुआ। मुंह फोड़ दूंगा सब तुम्हारा, फोड़ दूंगा, दिमाग काले सब। अरे अरे लो मत ये, अरे एक मिनट एक मिनट। हां सुनो, हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं? हां यार, किसकी वजह से? हां मेरी वजह से लड़ रहे हैं। बॉस की वजह से ना? तो बॉस की ऐसी तैसी करें? अरे गर्मी है। अरे बॉस, अरे बैठ रे, अरे बैठ, वेरी बैड वेरी बॉस। क्या यहाँ? हाँ सुनो, आपका और पूनम का जो MMS है वो हमारे पास है। बॉस बॉस बॉस, आपका और गीता का जो MMS है वो हमारे पास है। बॉस आपका और छोटे लाल का जो MMS है वो भी हमारे पास है। बॉस आपका और काम वाली कामनी का जो MMS है वो मेरे पास है। तो कामनी ने दिया, कामनी ने दिया MMS। बॉस कामनी, बॉस आपका और रागनी का MMS, रागनी MMS। आपका और सुजाता का जो MMS है वो भी हमारे पास है। सारे MMS तुम्हारे पास है? तो अब बताओ हम तीनों जो हैं पार्टनर, उठक बैठक घंटा मारे हो फट जाओगे। अच्छा ओके, तो बॉस आज से हम तीनों, हम तीनों बराबर के पार्टनर होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। घर में शादी 3 महीने बाद होती है और लड़कियां पहले ही टेंशन में पड़ जाती हैं कि कपड़े क्या पहनने हैं। सही बात है, वो इसलिए क्योंकि हमें सुंदर दिखना होता है और सेल्फी लेकर हमें सोशल मीडिया पर अपलोड करना होता है। ये बात तो सही बोली, इसने भी अपनी शादी पे ना घोड़ी के साथ फोटो खींच के अपलोड की और लिखा ऑफ टू मंडप। कसम से मोनिका, कसम से घोड़ी इससे ज्यादा सुंदर लग रही थी। वैसे आजकल के जमाने में शादी कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक जीजा जी नाराज ना हो। क्या अच्छा लगता है शादी में सबसे ज्यादा? सर खाना। क्या खाते हो शादी में? सर सब कुछ। सब कुछ? प्लेट भी नहीं? तुम्हारे जैसे लोग होते जो महीना महीना भूखा रहते हैं कि चलो शादी आने वाली है तो उसी दिन खाएंगे सब। आइसक्रीम कितनी बार खाते हो ये बताओ? सर जब तक वो मना नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिस्टर रतन आप पे ये इल्जाम लगाया गया है कि जो वीडियो आपने इनकी शादी में ली थी वो वीडियो आपने इन्हें दी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई। देखिए वकील साहब, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, अचानक से लाइट चली गई और उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा डाटा डिलीट हुआ था, फिर भी मैंने इसको 13 घंटे की वीडियो बना के दिए। पूछो इसे। 13 घंटे? हाँ, ये जयपुर से मुंबई क्या बारात पैदल गई थी? वीडियो वकील साहब 2 घंटे की थी, 11 घंटे तो दूल्हा ढूंढने में लग गए थे। इस आदमी ने 13 घंटे का वीडियो बना के दिया, 13 घंटे तो लोगों की शादी नहीं टिकती है। बताइए इतना घटिया वीडियो बना के दिया है, वीडियो में मैं तो क्या मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है? क्या रिश्तेदार तैयार होके आए थे? इतने गंदे तरीके से तैयार होके आए थे, लोग उनको घर पे ना बुलाए, इसने होटल में बुलाया हुआ था। मेरी शादी में जहां मर्जी बुलाऊं, फालतू बात मत करो, मैं मुंह फाड़ दूंगा। जय साहब। ए साहब मैं हूं, वो मैडम है। एक मिनट
अपनी लड़ाई में मुझे इन्वॉल्व मत करो, सब अपने आप निपटाओ। अपने आप निपटा ले तो कोर्ट खोल के क्यों रखी हैं आप? हाँ बताओ। इससे पहले बाबा चला जाए सोने, शुरू करो अपने रोने। तो भक्तो आज किसकी क्या समस्या है? बाबा जी आपके बहुत कॉन्टेक्ट है, मैं कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूँ। हम अक्सर कैटरीना से रोज फोन पे बात करते हैं, बता दें दर्शकों के ज्ञान के लिए, हम सुबह सुबह उनको फोन करते हैं और बोलते हैं कैटरीना गुड मॉर्निंग, वो भी बड़े प्यार से कहती है रॉन्ग नंबर। पुलिस सोशल बाबा की। किसी और की कोई समस्या? बाबा मेरी शादी वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो बंगार की साइट पे करवा दो, वहां भी ना मिले तो एक साइट है खोया पाया, ये काफी वहीं पे रजिस्टर्ड हैं, इनमें से तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अगर वहां भी ना मिले तो समझो बाबा की अपार कृपा है, तुम संकट से बच रही हो। टॉप अप करा दो बाबा का। हा, हा, हा। मैं पिक्चर देखने चला गया था बागी। श्रद्धा कपूर के फिर से पीछे पड़ गए तो? अरे कितनी सच्ची वाइफ है, मैं श्रद्धा के लिए नहीं, मैं अपने टाइगर के लिए गया था। हमारी बिरादरी का कोई पहला तो है जो हीरो बना है। वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। ए, ये तू हाथ में लेके क्या कर रही है? ये मैं हमारी शादी की वेडिंग एल्बम देख रही हूँ। अरे कितनी बेवकूफ औरत है, वेडिंग एल्बम शादी की ही होती है। ये कौन है? ये मेरे लखनऊ वाले भालू मामा है। तुम मिले नहीं थे क्या? अरे मुझे मिलना नहीं है उससे। क्यों? जब मिलता है 500 रुपए मांग लेता है। व्हाट्सएप मम्मी डैडी। अरे ये व्हाट्सएप क्या होता है, बदतमीज होती जा रही है भाई। अपनी संस्कृति, अपना संस्कार और अपना दहार कभी नहीं भूलना चाहिए। Stop being so look now, Dad. It's time for WhatsApp, Happen, this and that. आप बहुत पुराने जमाने के हो Dad. अरे this and that के चक्कर में तुम्हारा गलत इस्तेमाल हो जाएगा। ये सुन, ये घटिया सा परफ्यूम लगा के कहाँ घूम रही है? मैं चिंटू खरगोश फ्रेंड है ना, उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी रोज पार्टियाँ चल रही हैं, बहुत पार्टी एनिमल हो गई है। बेटा 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 तुम पार्टी में जाओ, लेकिन ध्यान रखना ऊंट आराम से चलाना और रास्ते में कहीं चारा भरवा लेना। ओके डैडी मम्मी बाय बाय, ध्यान रखो। बेटा ध्यान से जाना, रास्ते में इंसान आ जाए तो रास्ता क्रॉस मत करना, रुक जाना। अरे ये सब अफवाह होता है, थूक के आगे बढ़ जाया जाता है पागल। बेटी तो चली गई तो कमरा खाली है, तो क्यों ना आज रात हम दोनों अलग अलग सोएं। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। गांधी जी ने क्या कहा था, कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है भाई, हम बिजी आदमी है, हम दोनों गाल पे एक साथ मारते हैं। बापू ने कहा है ना, अगर कोई एक गाल पे किस करे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये वाली गांधीगिरी करोगी तो तीसरे दिन ही कोई हनीमून पे ले जाएगा। शुरू हो गई सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। नारे लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर अभी तक तुम्हारी मांग पूरी हुई होती तो 4-5 तुम्हारे खुद के वोटर्स होते।